अच्छी खबर भी। अब आपको थाईलैंड की गुफा में फंसे बच्चों की बात बताते हैं। आज थाईलैंड के सामनुआंग गुफा में फंसे चार बच्चे और उनके फुटबॉल कोच को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। लेकिन जानते हैं कि अब इस कामयाब मिशन में भारत का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। क्या है वो कनेक्शन, देशहित में आज देश को जानना जरूरी है। ऑपरेशन थामलुआंग का क्या है इंडिया कनेक्शन? पूरी दुनिया में थाईलैंड क्यों कर रहा है भारत की तारीफ? थाईलैंड की थामलुआंग गुफा से आज चार और बच्चे और उनका फुटबॉल कोच सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। चार महीने का सबसे मुश्किल काम थाईलैंड ने सिर्फ चार दिन में कर दिखाया, लेकिन सदी के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन पर थाईलैंड भारत की तारीफ कर रहा है। ये कनेक्शन क्या है अब ये समझिए। बच्चे 17 दिन तक अंधेरी गुफा में फंसे हुए थे, उनके साथ 25 साल के फुटबॉल कोच एकापोल भी फंसे थे। बच्चों की माने तो जब तक बचाव दल गुफा में नहीं आया था तब तक उनके कोच ने ही मानसिक तौर पर उन्हें हिम्मत दी, खुद भूखे रहे और अपना खाना भी बच्चों को खिला दिया। कोच ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि उन्हें मेडिटेशन में महारत हासिल थी। वो कोच बनने से पहले एक बौद्ध सन्यासी थे, बुद्ध भारत की धरोहर है और भारत से ही थाईलैंड में बुद्ध की शिक्षाएं आईं और उनकी यही ध्यान लगाने की कला बच्चों को बचाने में कारगर साबित हुई। For quite some time before he left the monkhood and become the football coach for this team, he has used his knowledge of meditation to calm the boy. Thousands of years ago, many centuries ago, have learned from India, from Lord Buddha. थाईलैंड में बुद्धम शरणम गच्छामी के फॉर्मूले पर आज सभी बच्चे सुरक्षित हैं और भारत के ध्यान योग की सराहना आज पूरी दुनिया कर रहा है और भारत के ध्यान योग की सराहना आज पूरी दुनिया में हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।